विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज विश्व योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम योग और हमारी दिनचर्या। आज हम सुनेंगे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। दोस्तों नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 21 जून को योग दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है। ये दिन सूर्य आकाश में 21 जून को अपने उच्चतम स्थान पर होता है और सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। जी हाँ, दिन की रोशनी सबसे लंबी होती है। तो ये हुआ ये खास दिवस मनाने का उद्देश्य, और इसका विषय प्रतिवर्ष चुना जाता है और 2024 का विषय है वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग। जी हाँ, भारतीय संस्कृति की परिकल्पना है और हमारा ये कहना चाहिए कि बड़ा शुद्ध पवित्र वाक्य है वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह हम मानते हैं, और इस बार जो थीम है उसका मतलब यही है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। जी हाँ, तो इस परिकल्पना के साथ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र। अपने आप में जाना पहचाना नाम, योग गुरु के नाम से विख्यात हैं, और आप बहुत पुराना, या बल्कि यूं कहें कि विश्व का सबसे पुराना योग संस्थान चला रही हैं। और जब इतना पुराना संस्थान है तो जाहिर है कि बहुत सारी कहानियां उसके साथ चल रही हैं, एक विरासत है अपने आप में। तो आपका बहुत लंबा अनुभव है। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बदलाव आप देख रही हैं। पहले क्या लोग समझ रहे थे योग को, आज क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार अब हो रहा है। देखिए ना, पहले तो लोगों की जिंदगी बड़ी सिंपल थी, तो एक जीवन एक सादा था। दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए, शाम हो गई तो वाइंड अप कर लो, घर पे आ जाओ, रात का खाना भी 6 बजे 7 बजे तक खत्म कर दो। तो मुझे वहां कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, वो जिंदगी अलग थी। और शरीर से मेहनत करते थे लोग, मेहनत मशक्कत वाले लोग थे, तो ऐसा कुछ अलग से आसन करना या ये वो भी ज्यादा था ही नहीं। जिंदगी के रोजमर्रा के जीवन में अगर हम सारे काम करते हैं तो सारे आसन हो ही जाते हैं, इसलिए वो एक जीवन ही अलग था। और बहुत ही पुरातन जो योग था, जहाँ बच्चे गुरु के पास जाते थे योग सीखने, वो एक अलग युग था और बहुत ही अच्छा युग था वो। जैसे कृष्ण गए सांदीपनी आश्रम, राम गए वशिष्ठ आश्रम, वहाँ बच्चे सब कुछ छोड़कर गुरु के पास सारी विद्या लेते थे, वो योग था। कि भाई कोई भी चीज कैसे करनी, योग का मतलब ही है कॉन्सेंट्रेशन, हर चीज को बहुत ही सही ढंग से करना, यानी पूरा एकाग्र चित्त होकर करना। और वो फिर बच्चे वहाँ सीखते हैं, फिर आपको धनुर्विद्या सीखनी हो या कर्मकांड सीखना हो या मंत्र तंत्र सीखना हो, वो सब गुरु के पास सीखते थे। लेकिन होता था योग, क्योंकि मन एकाग्र करके करना होता था। मन एकाग्र हुआ तो ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन अब आज जो हो गया है वो जरा अलग हो गया है। आज लोग एक्सटर्नल शारीरिक को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि आज का युग ही ऐसा है कि आप अपने शरीर से कम, दिमाग से ज्यादा जीते। और ये मन एक ऐसा विषय है कि उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। योगी कहते हैं रेणु जी कि इंसान का मन इतना डेवलप्ड है कि उसको अगर ट्रेन नहीं किया गया ना तो वो आपको दुख देगा। आपके सारे रोग, सारे प्रॉब्लम्स आपके मन से ही तो शुरुआत करते हैं ना, उन सब चीजों की, और वो होगा। और इसीलिए आज लोग शरीर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, शरीर पर बहुत ही मेहनत करते हैं, जिसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर तो अपने आप में एक बहुत संपूर्ण चीज है। शरीर जानता है अपना ध्यान कैसे रखना, मगर इंसान मन क्योंकि सही नहीं रख पाता, इसलिए वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आज की लाइफ स्टाइल में कैसे इसको किया जाए? समझ लिया आज की लाइफ स्टाइल, लेकिन जो चीज हमें नुकसान करती है वो तो कम से कम एक वाइज आदमी, एक
सही व्यक्ति बंद करेगा ना अपने आप को नुकसान करना। जहां वो शरीर से कुछ भी कर रहा है भले करे, लेकिन थोड़ा शरीर से एक्टिव हो जाए, अपने शरीर का उपयोग करे। हमें बनाया ही ऐसा कि दो पैर दिए भगवान ने, जो चलने चाहिए इंसान को चलना चाहिए भाई। वो थोड़ी सी जगह भी आप रिक्शा ले लो, कार ले लो, चलो ही नहीं। मुझे आजकल लोगों को कहना पड़ता है रेणु जी कि भैया कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तो चलो। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यू लापता, मिलो चले जा रहा कहां ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
खाना खाने के पहले थोड़ा चल लो, खाने के बाद आराम से टहलो, मगर ये नियम में आ ही जाना चाहिए। तो हमारे नियम थोड़े बदलने चाहिए आज के युग के, तो फिर उनको समझ में आएगा कि क्या क्या करना चाहिए। उठते से ही जरा लंबे सांस ले लिए, शरीर को थोड़ा खिंचाव दिया, स्ट्रेच किया। आपने कुत्ते को देखा है या जानवरों को देखो, जैसे ही उठते हैं दोनों हाथ ऊपर की तरफ और पैर ऐसा खींचते हैं, इतना स्वाभाविक है ये। मगर हम अपनी स्वाभाविक जिंदगी ही नहीं जी रहे, हम बहुत अस्वाभाविक हो गए। और इसीलिए अब वो स्वाभाविकपना लाना है, सिंप्लीफिकेशन लाना है। तो वो हम सिखाते हैं भाई कि भाई क्या क्या करना चाहिए। उठते से ही स्ट्रेच कर लो, थोड़ा सवेरे उठ के गर्म पानी पी लो, वॉक करो, चलो। वॉकिंग अगर हो गया ना तो घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में सबको हेलो हाय करते हुए जरा वो करो। मैं तो मानती हूँ कि गृहस्थ जीवन में बहुत जल्दी इंसान की ग्रोथ होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभव मिलते हैं उसे और वहाँ बहुत सारे कर्तव्य होते हैं उसको करने के। तो लग जाता है उठते से इंसान गृहस्थ जीवन में एक के बाद एक ना काम करने में, तो सब करो और अपने काम करते करते एक्टिव हो जाओ पैरों पर, और उसके बाद में खाओ वगैरह वगैरह। एक व्यवस्थित नियम बनाने जरूरी है, नहीं तो बहुत सी चीज छूट जाएगी, और छूट जाएगी तो फिर वो नुकसान देगी। तो अगर ये सब करें तब रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, लेकिन थोड़ा सीखना तो जरूरी है। जैसे क्या होता है, हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम फर्नीचर से लगा के हर चीज, अब हम कुर्सी पर बैठे हैं, पैर नीचे हैं लटका के, अब हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, नीचे अंगूठे से ऊपर की तरफ सर की तरफ खून को खींचना होता है, तो हार्ट को जोर से पंप करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पलाठी मार के बैठ गए सोफे पे ही, लेकिन पांव ऊपर करके, तो ग्रेविटी का फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का फोर्स कम हो गया, तो हार्ट आराम दे सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सीखना जरूरी है कि कैसे बैठे हैं, कैसे उठे हैं। अगर लंबे समय में बैठी हूं तो जरा उठ जाऊं, नहीं तो मेरे किडनी पर ऐसा प्रेशर पड़ता है लंबा बैठने से कि फिर आप देखो कितने किडनी के प्रॉब्लम बढ़ गए, डायलिसिस। तो इतने लंबी लाइन लगी रहती है हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए, किडनी काम नहीं कर रही, तो जरा खड़े हो जाओ भाई, थोड़ा चल लो, फिर वापस बैठ जाओ। तो ये नियम में आ जाना, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। सिर की तरफ सर्कुलेशन ही कम हो रहा है, क्योंकि हम वजन उठाना, पहाड़ पे चढ़ना, ये सब तो हमारा जीवन बचा नहीं ना। एक लेबरर होना, श्रमिक, उसको सिखाना ही नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि वो ज्यादा खा भी नहीं सकेगा, क्योंकि वजन उठाना है, ऊपर चढ़ना है, तो थोड़ा ही खाएगा और करेगा, सिर तक सर्कुलेशन जाएगा, उनका सब कुछ हेल्दी होता है। कोई श्रमिक को आप ऐसा मोटा तुलतुला नहीं देखोगे, उसकी स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे उसका, क्योंकि वो प्रकृति में धूप में वजन श्रम कर रहा है, तो वहाँ कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। जानकारी हो और उसके साथ साथ गीत भी हम सुनते चलें तो आनंद दुगना हो जाता है। यहाँ पर कौन सा गीत सुना जाए? कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, ये मेरा बहुत प्रिय गाना है। क्या बात है। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा सफर, एक अंधा सफर है ये जीवन सफर, एक अंधा सफर है, बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है, बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है, संभलता नहीं दिल किसी के संभाले। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है, ये
जो ठोकर न खाए, नहीं जीत उसकी जो गिर के संभल जाए, है जीत उसकी जो गिर के संभल जाए, है जीत उसकी। निशान मंजिलों के ये पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है तू जाने वाले, कहाँ जा रहा है। दोस्तों गीत हमने सुना और हमारे साथ आज योग पर बात कर रही हैं योग गुरु हंसा जी। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये योग की टेक्नोलॉजी तकनीक्स हैं, ये थोड़ी सीखनी जरूरी है। आज के युग के लिए तो बहुत ही जरूरी है। प्राणी मात्र को योग सीख लेना चाहिए, जिससे भाई सिर पर सर्कुलेशन बढ़ाना है तो पैरों को ऊपर ले जाओ और शोल्डर और सिर नीचे रखो तो सिर पर सर्कुलेशन बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे आसन है जिससे पूरे बॉडी का सर्कुलेशन एक चीज है। मसल्स में तनाव इतना है, वो तनाव को हटाने के लिए ये सब जरूरी है। रिलैक्सेशन जरूरी है, अच्छा शवासन, रोज 10 मिनट मरना आना चाहिए जिससे इंसान का जीवन और अपने हाथ में आ जाए। ये सब चीजें हैं। शून्य होना आना चाहिए, ब्रीदिंग करो, पूरी सांस को निकाल डालो और थोड़ी देर शून्य में रहो, शून्य प्राणायाम, भ्रामरी, शून्य, ये सब बहुत अच्छी टेक्निक है। थोड़ा थोड़ा भी इनका उपयोग करेंगे तो शरीर को, मन को, क्योंकि योग में आसन भी प्राणायाम भी हम मन को ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं। इंसान का जो मन है ना, वो काम ही है उसका सोचना, तो वो सोचता रहता है। अब वो सोचता ही रहेगा, विचार ही करता रहेगा, तो अच्छे विचार करें तो कोई हरकत ही नहीं है, हमेशा खुशी के, पॉजिटिविटी। लेकिन हम तो उल्टे विचार करते हैं, चिंता, टेंशन, दुख, परेशानी तो फिर मन गलत स्थिति में पहुंच जाता है और फिर उससे पूरा शरीर को नुकसान पहुंचता है। मन और शरीर एक साथ जुड़ा हुआ है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। मन का असर सीधा शरीर पर पड़ता है, आजकल तो ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। और ये बहुत ही सीधी बात है जो योगी पहले से कहते थे कि मन को ट्रेन करो। तो जब आसन करते हैं तो मन की ट्रेनिंग हो रही है कि मन थोड़ा स्थिर रहता है। प्राणायाम में और ज्यादा मन की ट्रेनिंग हो रही है, और मेडिटेशन तो पूरा मन को सही स्थिति में रखने के लिए ही है। तो ये सारी टेक्निक्स सीखना बहुत जरूरी है। तो हंसा जी, आप जैसा कह रही हैं बार बार कि अच्छा सोचें, मन को नियंत्रित रखें, खुश रहें, लेकिन जो पूरी दुनियादारी है और घर में रहते हुए ये संभव नहीं होता, तो नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए, योग के माध्यम से या किस तरह से? देखिए, योग में वो साइकोलॉजी की बहुत बात आती है कि मन कैसा चलता है और कैसे चलना चाहिए। और एक बार इंसान ये समझ जाए ना तो वो जरा बदल जाएगा, वो सोच बदल जाएगी। एक तो इंसान को अपने को दूसरों से अलग करना आना चाहिए। मैं हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी जिंदगी, ये मेरी, और दूसरे आउटसाइड है, मेरे पे मेरा कंट्रोल है। किसी ने गलत बोला, मेरे पास चॉइस है बुरा मानना या न मानना, मेरे हाथ में है। बुरा मानना हो तो बुरा मानू, न मानना हो तो न मानू, क्यों बुरा मानू मैं, क्योंकि वो आदमी अलग है। देखिए, समझ लीजिए, एक कुत्ता है, वो भौंक रहा है, भौ भौ भौ, और आप कहोगे कि कुत्ता भौंकना बंद कर दे, ये तो संभव नहीं है ना। हमने जानवरों को तो एक्सेप्ट कर लिया है जैसे हैं वैसे, कुत्ता ऐसे ही रहेगा, गधा ऐसे ही रहेगा, बाघ ऐसे ही रहेगा,
हम इंसानों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते, वो भी तो वैसे ही है, हम पैदाइशी से अपना स्वभाव लेके आए हैं, सब इंडिविजुअल सब इंडिविजुअल है। तो अब अगर वो कुछ बोला या कुछ किया तो मैं बुरा क्यों मानूं, वो उसकी जिंदगी है, वो उसके कर्म है, उसको अच्छा बोलना नहीं आता, उसको प्यार से बोलना नहीं आता, इसलिए वो बड़बड़ कर रहा है, मुझे बुरा नहीं लगाना, क्योंकि बुरा लगाने से नुकसान मुझे होता है। पहले तो हम सबको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज से हम किसी और की वजह से दुखी नहीं होंगे। मुझे दुखी नहीं होना किसी और की वजह से, क्यों दुखी हूं भाई, क्योंकि मेरे पास चॉइस है दुखी होना या ना होना, एक तो ये समझ लो, और ये बार बार आना चाहिए दिमाग में। स्ट्रीट लाइट देख के दुखी हो जाते हैं लोग, हाँ बताइए, देखो अभी गर्मी इतनी है तो दुखी हो गए, अब जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। हंसा जी, योग जब हम करते हैं तो जाहिर है कि हम अपने चित्त को शांत करते हैं, प्रसन्न करते हैं, और पूरे स्वास्थ्य की बात आती है, संगीत का भी अपना महत्व है इसमें, तो एक गीत यहाँ पर सुनते हैं। कहते ना कि दुख भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो है आदिदैविक जो प्रकोप गर्मी सर्दी ये वो, उससे जो दुख आते हैं आदमी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट, चलो गर्मी है तो थोड़ी हवा कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, मैनेज कर लिया, सोचा नहीं उसके बारे में, काम में लग जाओ तो गर्मी भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। दूसरा है आदि भौतिक कि मच्छर ने काटा, ये हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, रास्ते पे खड़े और किसी ने गाड़ी उड़ा दी, आपको आपके हाथ में नहीं है, बाहर की दुनिया है, तो वो जो जीव और जो भी है उनसे जो दुख होता है
वो दूसरा है। तीसरा है आध्यात्मिक, मैं अपने आप को दुखी कर रही हूँ, वो मेरे हाथ में है, अब मेरे पास चॉइस है मैं दुखी हूँ या ना हूँ। अभी मैं अगर इच्छा रखती हूँ ऐसा ही होना चाहिए और वैसा नहीं हुआ तो मैं दुखी हो गई, अब इच्छा ही क्यों रखते हो, क्योंकि जीवन हमारे हाथ में है ही कहाँ, लेकिन उसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है। जैसे कि ये जिंदगी जो है ना रेणु जी, वो आपको हर क्षण नया नया रंग दिखाती है, हर क्षण कोई न कोई सदमा भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, एंग्जाइटी है, लेकिन वही जिंदगी आपके जैसे दोस्त भी तो लाती है ना, है कि नहीं, तो वही जिंदगी में अच्छा भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो फिर ये तीसरी बात है कि कोई भी परिस्थिति को दोनों ढंग से देखा जा सकता है, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि हर चीज में अच्छा क्या है ये देखना, बुरा ही क्यों देखे, क्या होने वाला है अच्छा ही होगा। भगवद गीता में बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्यों नहीं ऐसा हम मन को ट्रेन करते, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा क्या होके होने वाला है, और अगर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ तो कुछ सीखने को तो मिल ही जाएगा ना मुझे उससे, तो मुझे तो बेनिफिट ही मिलने वाला है, कोई भी परिस्थिति मुझे नुकसान नहीं कर सकती। तो ये तीसरा डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं अक्सर बोलती हूँ कि रात को सोने के पहले ट्रेनिंग दो माइंड को, कि सोने के पहले जरा देख लो कि दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ। अक्सर होता है कि ये गलत हुआ, इसकी जगह मुझे ऐसा करना चाहिए था, उस आदमी ने ऐसे कैसे शब्द बोल दिए, अब ये तो बहुत गलत हो रहा है, हम ऐसी सब बातें करते हैं, लेकिन क्या क्या अच्छा हुआ वो देखो दिन भर में। तो बहुत सी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। हम तो यहाँ लोगों को बोलते हैं लिखो 10 पॉजिटिव पॉइंट्स, 10 पॉजिटिव पॉइंट्स, तो वो बोलते पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव तो झट आता है, पच्छर रात बहुत काट गए, गर्मी बहुत है, खाना इतना मजेदार नहीं था, नेगेटिव तो यू एक मिनट में लिस्ट बन जाएगी 10 की, मगर पॉजिटिव हमको देखना ही नहीं आता, हमने ट्रेन ही नहीं किया पॉइंट, एक या दो चीज लगेगी कुछ मिली, मगर 10 पॉइंट नहीं मिलते। अरे भाई हम जिंदा है, स्माइल कर सकते हैं, ये पॉजिटिव नहीं है, सूरज उगा ये पॉजिटिव नहीं है। जिंदगी जिंदगी सारी तेरे संग है बेतानी, दिल ये झूमे तेरे ही गुनगुनाने से, तू मेरी सांसों का हिस्सा जैसे बादल और ये पानी, हंसता हूँ मैं तेरे ही मुस्कुराने से, ऐसे थामे के ना छोड़े रिश्तों की।
मैं आपको बताऊं, मैं 1982 में जर्मनी गई थी और वहाँ स्टूडेंट्स थे। सवेरे 6 बजे मैं लेक्चर देती थी, फिर मेरे बाद डॉक्टर साहब लेक्चर देते थे, मेरे हस्बैंड डॉक्टर जयदेव। एक बार हमने देखा वो 6 बजे के पहले कलबल कलबल आवाजें आ रही है बाहर, क्यों क्या बात है। मैंने हमारे मेन स्टूडेंट को पूछा आज क्या है, तो बोलते आज सूरज आया है, सूरज आया है। मैंने कहा अच्छा, तो इतना उनको विचारों को महत्व है कि वहाँ सन नहीं उगता और जिस दिन सूरज आता है वो खुश होके सब बाहर आ जाते हैं, रूम छोड़ के अपना घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं सूरज को शरीर पर लेने में, सूरज की किरणों को लेने में। और हम लोग रोज सूरज उगता है यहाँ, लेकिन हमें कुछ कदर ही नहीं है, देखते भी नहीं है, मतलब उल्टा। तो हमने ऐसा माइंड को नेगेटिव बना रखा है। फूल उगता है, अब क्या कितना सुंदर लगता है, एक एक फूल के रंग देखो, आपको हर फूल को देख के प्रभु की याद आती है कि क्या है ईश्वर, क्यों नहीं हम बस अब देख लिया, ये मेरे को नहीं पसंद, ये पसंद है, मेरे को तो यही फूल पसंद है। अब आप अपनी पसंद नापसंद के पीछे क्यों पड़े हो, जिंदगी में जो पसंद नहीं है वो भी है भाई, आपको जो पसंद हो वो आपका प्रॉब्लम है, जो है उसको पसंद करना सीखो ना, तो आप आनंद से ले पाओगे। तो हमको पॉजिटिव सोचना आना चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं, मजा आता है देख के, वो गिरते पड़ते हैं फिर उठते हैं चलते हैं, कितना आनंद आता है देख के। लेकिन ये आनंद छोटी छोटी चीजों में लेना, ये हम सीखना भूल गए, हम सिंपल रहना भूल गए, हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। सरल होना सबसे मुझे। सरल होना, शुद्ध होना, प्योर विचार, प्योर थिंकिंग, प्योर व्यवहार, एक प्रेममय अच्छा व्यवहार, क्यों नहीं कर पाते भाई, हमेशा चिड़चिड़े और दुखी ही क्यों रहना है। ये थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है और इसीलिए बोलती हूँ कि योग सीखना जरूरी है, जो हम यहाँ सिखाते हैं, कैसे सोचें, सवेरे से स्वभाव किस तरह दिन बिताएं, ये सब करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है दुखी होना या ना होना, ये मेरे हाथ में है, और अगर दुखी होंगी तो सारे रोग की जड़ दुख है। समझौता हमों से कर लो, समझौता हमों से कर लो, जिंदगी में हम भी मिलते हैं, हो पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, हो मंजिल
उसने पाई ओ समझौता गमों से कर लो समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो पतझड़ आते ही रहते हैं पतझड़ आते ही रहते हैं मधुबन फिर भी खिलते हैं ओ समझौता गमों से कर लो समझौता गमों से कर लो। दोस्तों गीत हमने सुना और हमारे साथ आज योग पर बात कर रही हैं योग गुरु हंसा जी। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक लेडी मेरे पास आई, वो महिला थी लगभग 31 साल की, बहुत ही टेंशन में दिख रही थी। मुझे कहने लगी हंसा जी मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रोज झगड़ा होता है, खूब जम के झगड़ा होता है, मारपीट भी हो जाती है। मैंने बोला देखो मारपीट से कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलता, वो वायलेंस या हिंसा से आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला, मगर क्यों ये करती हो तू? तो बोलते अब करता ही है मेरा हस्बैंड ऐसा, रोज रात को ऑफिस से घर आता है और बॉटल खोल के बैठ जाता है। और मेरे दो बच्चे हैं, एक बच्चा 8 साल का एक बच्चा 11 साल का, दोनों बेटे देखते हैं बाप को कि वो आया और बस बॉटल खोल के बैठ गया। मैं कैसे सहन करूं? आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो? ये तो बहुत गलत है, इसलिए मेरे से सहन नहीं होता, तो मैं चिल्लाती हूँ करती हूँ, हम दोनों बहुत झगड़ते। मैंने कहा देखो बेटा एक बात क्लियर है कि हस्बैंड अपना कर्तव्य नहीं कर रहा। मान लिया तेने 20 बार बोल दिया उसको मत पी, मगर तू तेरा खुद का कर्तव्य कहाँ कर रही है? तू भी तो झगड़ रही है, गुस्सा कर रही है, घर में वातावरण ही इतना नेगेटिव बना रखा है, बच्चे सहमे सहमे से ही रहते हैं, उसकी जगह तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हम कहते हैं हर इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए, दूसरा सही कर रहा है या गलत है उसके पीछे पड़ोगे तो आप कभी सुखी रह नहीं पाओगे, क्योंकि संसार में कोई चीज आइडियल तो है ही नहीं ना, सही तो है ही नहीं। तो मैंने कहा तुम अपना कर्तव्य करो, घर में एक अच्छा वातावरण लाओ, तुम दोनों बच्चे बैठ के जरा बॉल से खेलो, हंसो, जोक्स बोलो, गेम्स खेलो, थोड़ा डांस वांस करो, साथ में मिलके गाना गाओ, कोई न कोई क्लास साथ में अटेंड करो, एक डेढ़ घंटा तुम जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाओ। बस उसको बोलना बंद कर दो कि मत पी, कैरम खेलो, कार्ड्स खेलो, ये सब चीज बहुत अच्छी चीज है। और हमने तो बहुत सारी योग की गेम्स भी बना रखी है कि ये गेम्स खेला जा सकता है परिवार में, तो खैर ये सब करो। तो वो बोली मगर फिर तो नहीं बोलूंगी तो और पिएगा। मैंने बोला तुम नहीं चाहिए ना, तुम उसको छोड़ दो, अच्छा है घर में ही बैठ के पी रहा है ना, रास्ते पे पी पी के और गिर नहीं रहा गटर में, यही पी रहा है तो ठीक है, तुम उसमें कुछ अच्छा तो देखो, वो शांति से पी रहा है ना कोने में बैठ के, तुम क्यों दखल कर रहे हो, पहले तुम अपना करो। उसने ये करना शुरू किया, पूरा विश्वास था उसको। 20-21 दिन ही हुए थे ये बॉल खेल रहे, हस्बैंड आ जाता है कि चलो मैं भी खेलता हूँ, कैरम खेल रहे हैं उस तरफ कोई नहीं मैं आ जाता हूँ, इस तरह उसने भी खेलना शुरू किया। और एक 4-1 महीने के अंदर अंदर उसका पीना बंद हो गया, उसको घर में मजा आने लगी और बच्चे बड़े होने लगे तो अब वो ये सेशन रोज खेलते हैं और ये सेशन का नाम ही रखा है पप्पा का 1 घंटे का सेशन, जोक सेशन, जोक्स बोलते हैं। तो मैं ये कहने का प्रयत्न कर रही हूँ प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, हर व्यक्ति पैदा हुआ है ना तो कुछ न कुछ तो भोगना है ही, कोई तो पैदा हुआ है, अच्छा भी भोग रहे हैं गलत भी भोग रहे हैं, पर भोग रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, परिस्थितियां होती हैं, अब उसको हैप्पीली खुशी से ले लो या पै पै करते हुए दुखी होके लो, उतना ही हमारे हाथ में है, क्यों नहीं खुशी होके ले लो, क्यों दुखी होना है? तो ये हमको आना चाहिए और वो हम कर सकते हैं, गलत कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। हंसा जी क्यों नहीं यहाँ पर एक गीत हम सुने तब आगे चले? हाँ, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, तो सुनते हैं ये गीत। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने भरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना,
बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने पर उतना चले हिलोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। खुशियाँ है छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ है छोटी छोटी बातों में। नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ है छोटी छोटी बातों में। ऐसा सुंदर है ये जीवन जैसे कोई सपन सलोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने पर उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो मत डर जाना गुड़िया रानी, मौसम बदले तो मत डर जाना गुड़िया रानी। सावन में बिजली चमकेगी बरसेगा पानी, धरती अंबर भीग जाए ना। सीखो हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते लोते लोते हंसना सीखो, हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हंसा जी, हर चीज का दो पक्ष होता है, अच्छा बुरा। तो योग क्या कभी नुकसानदेह भी हो सकता है? नुकसान होता है अगर इंसान अपना कर्तव्य नहीं करता तो। खुद के लिए जीता है, मैं तो मेरा एक घंटा पारायण करूंगा भाई, मेरे को एक डेढ़ घंटा आसन करना है, मेरे को आधा घंटा मेडिटेशन नहीं करूं तो मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। तो योग तो उसका नशा हो गया है, यानी बात एक ही होगी। योग की टेक्नोलॉजी को आपने ऐसा बांध दिया उसके साथ में कि आपके पास दूसरों के पास बैठने को वक्त ही नहीं है। अरे भाई, आप प्राणायाम करें उसकी जगह बच्चे के साथ खेलो, अपने आप प्राणायाम हो जाएगा। एक हीरोइन है, मैं पहले जुहू बीच जाया करती थी, लगभग 30 साल पहले की बात है। तो कार लेके जुहू बीच पहुंचने में 5-7 मिनट लगते थे यहां से, और वहां मैं गाड़ी को एक जगह रख कर और वॉक करती थी, मजा आता था।
तो मैं देखती थी एक हीरोइन, उस समय की पॉपुलर हीरोइन थी, वो भी चल रही है हाथ में डंबल वजन लेकर और चल रही है वहां, और उसका बच्चा, उसकी आया उसको गोद में लेके साथ साथ में चल रही है और बच्चा रो रहा है मम्मी मम्मी और ये मैडम वजन लेके चल रही है। अरे बच्चे को उठा के चलना भाई, तो भी वॉकिंग हो जाएगा ना। मगर इस तरह का कुछ मानस बना रखा है कि फिटनेस मतलब इतना ये करो वो करो, इतनी मूवमेंट करो ये करो, ऐसा नहीं है। जीवन उससे बहुत ऊपर की बात है और इस तरह नहीं होना चाहिए। जीवन को आनंद से जियो, सब फिटनेस आ जाती है। आप फिट नहीं हो क्या? सभी फिट है, हर व्यक्ति फिट रह सकता है। बस यही है कि समझ आ जानी चाहिए कि अगर ज्यादा कुछ भी करेगा ना व्यक्ति योग की टेक्नोलॉजी में, तो उससे नुकसान होगा। एक व्यक्ति आते थे जू बीच पर, वो 3 घंटा चलते थे, चलना बहुत पसंद है, तो वो ठेठ वर्सों वासे लगा के खार डांडा तक बीच पर चलते थे, 3-4 राउंड मारते थे। मेरे को देख के हंसा जी हलो करते थे, मैंने कहा बस हो गया चलना? बोलते नहीं, बड़ा मजा आता है। वो व्यक्ति हार्ट अटैक में बहुत जल्दी मर गए, उनकी डेथ हो गई। अभी वो चलना अच्छा है मगर कितना भाई। फिर अगर आपको रनर ही बनना है तो उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ती। एक डॉक्टर थे, यहाँ मेडिकल डॉक्टर थे, वो गायनेकोलॉजिस्ट, इनका हॉस्पिटल, और उनको रनर बनना था। वो क्या है, मैराथन रनिंग होता है ना, तो मैराथन में वो पार्ट ले रहे थे। तो वो रोज सवेरे 2 घंटा या 3 घंटा उसकी प्रैक्टिस करते, मगर फिर दिन भर तो आप बैठे हो ना सोफे पे और कंसल्ट कर रहे हो या खड़े रह के सर्जरी कर रहे हो, दिन भर आप कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं चलेगा। शरीर को आप इस तरह मत समझो। अगर आपको जीवन जीना है तो किस ढंग से पूरा दिन बिताओगे ये जरूरी है। इसलिए वो व्यक्ति की भी हार्ट दौड़ने में ही, कुछ प्रैक्टिस करने में ही उनकी वहीं रास्ते पे हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, जबकि वो फिट और फाइन डॉक्टर थे, खार के ही थे, बहुत पॉपुलर थे। संतुलन चाहिए। योग का एक डेफिनेशन ही संतुलन, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। समत्वम योग उच्यते, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योग। ये डेफिनेशन है योग की, परिभाषा है योग की। तो हम संतुलन नहीं लाते आजकल, लोग पीछे पड़ जाते हैं कोई एक चीज के और बाकी फिर दूसरा संतुलन छूट जाता है, तो करना पड़ेगा। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाए संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की हर शे है एक ताल पे गर्दिश में, ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहां जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। रेणु जी, अमुक एरिया है जहां हम सबको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला तो
कि हमारी जो सोच है ना, जिस ढंग से हम सोचते हैं, उस सोच को थोड़ा सा बदले तो तनाव ना लाके जीवन जैसा है वैसा देखकर जिए। कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। दूसरा, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाए रखें। मैं इतना बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ, समय नहीं। अरे भाई, एक फोन करने में कभी कभी कैसे हो यार, कुछ नहीं होता है, मगर बहुत जरूरी है ये तनाव को हटाने के लिए। हम सब तनाव में तो है ही। अभी बम्बई की तो हवा में ही तनाव है, खाने में तनाव है, पानी में तनाव कहाँ नहीं। हम सबको समझना पड़ेगा कि हम तनाव में जी रहे हैं, उस तनाव को कैसे हटाया जाए, उस पे ये सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि दोस्तों के साथ का भी हो। तीसरा, परिवार। देखिए, परिवार में जिसके साथ आप रहते हैं ना, एक छत के नीचे, उस सबके साथ आपको थोड़ा समय निकालना जरूरी है, कितने बिजी क्यों ना। अब घर में माँ है, क्या दो मिनट उसके पास जाके बैठ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते माँ को क्या चाहिएगा क्या नहीं। मेरी माँ है घर में, मेरी माँ 95 ईयर्स की, 95 साल की है मेरी माँ, और बहुत फिट और फाइन है, बहुत हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि सिंपल जीवन है हम लोगों का, सिंपल खान पान है, टाइम से खाना, टाइम से सोना, और मस्त रहती है वो। प्रकृति में बहुत इंटरेस्ट लेती है, रास्ते कंपाउंड में वॉक करेगी तो पेड़ पौधों में कहीं सूखा डाली हो तो निकाल देगी, सूखा पत्ता हटा देगी, कोई फूल होगा उसको प्यार से देखेगी, थोड़ा सूखेगी, इंटरेस्ट लेती है। डल खाली टीवी देखते रहना नहीं है, सब कुछ आसपास, ईश्वर ने इतना सब दिया है आपको आनंद देने को, मगर हम वहां से नहीं ले पाते। माँ करती है मेरी, तो बड़ी हेल्दी और स्वस्थ है, बिल्कुल आराम से चलेगी उसकी जिंदगी, अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया 95 इयर्स में भी। तो ये वाली बात है कि हम जीवन में परिवार के लोगों के साथ थोड़ा समय निकालें, एक मिनट, पांच मिनट, दस मिनट, ज्यादा मगर निकालें, जितने भी मेंबर्स हों हर एक का। और घर चलाने में जो जो लोग मदद करते हैं ना, जैसे कोई रसोई बना दे या झाड़ू पोछा कर दे, इवन न्यूज़पेपर दे दे, कोई पेपर वाला आता है, स्त्री वाला आता है, वो सब भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमको उनके प्रति भी थोड़ा वो होना चाहिए कि भाई कुछ अगर कहीं हो, कैसे हो, क्या हो, हेलो मॉर्निंग, कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं रह सकते। हर इंसान के पास कुछ तो है दूसरों को देने के लिए, कुछ नहीं तो स्माइल तो दे ही सकते हो, कुछ नहीं तो अच्छे शब्द तो बोल सकते हो दूसरे के लिए, अच्छा व्यवहार कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो। पैसा ज्यादा हो तो थोड़ा पैसे की मदद कर दो, आपके पास ज्ञान हो तो थोड़ा उनके बच्चों को या दूसरों को थोड़ा ज्ञान दे दो, आप फिजिकली स्ट्रांग हो तो कमजोर लोगों को थोड़ी मदद करो, ये सब बहुत जरूरी है। ये सब जब इंसान करने लगेगा ना, तो पूरे विश्व के साथ में बंधेगा, वो जो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, और हम तो यही करते कि स्वस्थ अगर रहना हो ना तो आपको खुद का तो ध्यान रखना है, ये सब सीख लो जो हम बताते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम जी रहे। देखिए ना रेणु जी, लोग समझते ही नहीं है कि एक रोटी भी अगर मुझे चाहिए ना मेरी थाली में, तो लाखों लोगों ने मेहनत की है उसके लिए, खेती की है, किसी ने कमाया है, किसी ने ये किया, ट्रांसपोर्ट किया, किसने बनाया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कितने ही मजदूरों का खून पसीना गया रास्ते बनाने में, ट्रेन बस, तब आपको जाके रोटी मिली। आप कैसे भूल सकते हो कि सबकी मदद से मेरा जीवन चल रहा है। तो आप सिर्फ स्वार्थी होके खुद के लिए जियोगे तो कभी हेल्दी हैप्पी हो ही नहीं पाओगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि सब आगे बढ़ो। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय, आने दो आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी। योग का मतलब ही यूनियन, जुड़ना, पूरा संसार के साथ जुड़ना है।
बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रखना है, कोई भी चीज बड़े सिंसियरली करनी है, ध्यान रख के जैसे ज्ञान बढ़े, तो हम चार शब्द वापरते हैं, धर्म, अपना अपना कर्तव्य करो, उससे ज्ञान मिलेगा, कर्तव्य करोगे तो ज्ञान मिलेगा, जितना ज्ञान मिलेगा ना उतना वैराग्य आएगा, वैराग्य का मतलब आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं, आपके पास सब कुछ है भाई, इतना तो दे रहा है सब कुछ, रोटी मिल रही है ना खाने को, वैराग्य, और जब वैराग्य आएगा तो ऐश्वर्य आएगा, ऐसी समझदारी आ जाएगी कि कोई चीज आपको दुखी करेगी नहीं, आप मस्त रहोगे, तो इस तरह जीवन को आगे बढ़ाना है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, क्या बात है, इसके बाद तो लगता है बस इतनी हो जानी चाहिए। बहुत सुंदर, सचमुच मनस्थिति ऐसी हो रही है कि अब इसके आगे कोई प्रश्न नहीं दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल सही, आज यही विराम देते हैं और फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। नमस्कार। हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं, चल दूं। मैं थोड़ी सी मूढ़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो, आने दो, दिल में आ जाने दो, ये जो मुस्कुराहट को, हाय 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 हाय। जाने दो, जाने दो, दिल से चले जाने दो, ये जो घबराहट को, बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी। आज विविधा में विश्व योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम योग और हमारी दिनचर्या। कार्यक्रम में हमने सुना योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।